दोस्तों हम मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है, अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को बोलेंगे करोड़पति बनना है तो हंसेगा, करोड़पति क्या यार तुम सपना बेच रहे हो क्या, 10-15 हज़ार की नौकरी है तुम करोड़पति बनने की बात कर रहे हो, 10-15 हज़ार में तो जिंदगी कट नहीं रही है तुम करोड़पति की बात कर रहे हो। यहीं से एक जो मिडिल क्लास जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि 10-15 हज़ार जो अर्निंग करते हो मंथली उससे भी आप करोड़पति बन सकते हैं, मजाक नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 80-90% मिडिल क्लास परेशान क्यों है कि बस कमा रहा है, कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो लोग अपने पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं। वो कौन सी मशीन से अपने पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। 100 रुपया, 200 रुपया, 300, 400, 500 रुपया तो बचा सकते हो, इतने के तो पॉपकॉर्न और मूवी देख के आ जाते हैं। तो इतना ही पैसा चाहिए, 100, 200, 300, 400, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप करोड़ों रुपए का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। 10,000 अर्निंग कर रहे हैं, 15,000, 20,000, 50,000 या लाखों रुपया भी मंथली अर्निंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको एक क्लियर डायरेक्शन मालूम चलेगा कि कैसे हमारा पैसा कंपाउंड होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको एजेंडा बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल क्लास जो है उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसके बाद से पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे हम लोग स्टॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर लाखों रुपया है ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, आप बोलते हो कि 10,000 इन्वेस्ट करो और समय दो, 10,000 रुपया आपका लाखों बन जाएगा। लाइव दिखाने वाला हूं आपको कि 10,000, सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके समय देते हैं तो कैसे ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग से लाखों नहीं 6 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट हो जाएगा, लाइव दिखाऊंगा। और ये हो चुका है, रियल स्टोरी में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद से पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स में, लाइव दिखाऊंगा। उसके बाद कंपोनेंट हम लोग समझेंगे, उसके बाद से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है इसमें अंतर बताने वाला हूं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है इसके पीछे भागता है और जो पैसा वाले लोग हैं इसके पीछे भागते हैं, दिखाऊंगा कैसे काम करता है। उसके बाद से रेट ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे, उसके बाद से एसेट एलोकेशन देखेंगे। एसेट एलोकेशन देखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और फिर उनका रिटर्न्स नेगेटिव में जाता है। उसके बाद से देखेंगे एक्सपेंस रेशियो कि कैसे एक जो बिगनर से रेगुलर मोड में इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा देता है, तो जो रेगुलर में इन्वेस्ट करता है और जो डायरेक्ट मोड में इन्वेस्ट करता है क्या अंतर है, उसमें क्या क्या उसको लॉस होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। और उसके बाद से लास्ट में कुछ लोग होते हैं निराशावादी लोग, अरे एक ही जिंदगी मिली है मजे करो ना भैया, तो ये लाइव में आपको दिखाने वाला हूं कि अभी मजे नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ये जो टाइमिंग है ना, एक बार बोलते हैं कि समय चला जाएगा तो फिर रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में आपको बताने वाला हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार सच में टाइम के साथ साथ इन्वेस्टिंग अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हम लॉस कर रहे हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप लोग हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो में जब अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं माइंडसेट के बारे में। एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है यार, 10,000 की नौकरी है पैसा बच नहीं रहा है, 20,000 की नौकरी है पैसा बच नहीं रहा है, रेंट में चला जा रहा है, खाना पीना ग्रोसरी खत्म हो जा रहा है, हद कर रहे हो आप, कैसे खर्च हो जा रहा है उसको देखो ना, क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चल रही है उसको बंद कर दीजिए। 10-15 हज़ार मान लीजिए 15,000 भी मंथली अर्निंग कर रहे हैं तो इसमें से 1,000 रुपये तो बचा सकते हो, 1,000 रुपये बचाइए, 500 रुपये बचाइए, लेकिन बचाना सीखिए, सेविंग करना शुरू करिए। तो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी को दिखाना है और आईफोन खरीद के लाना है और साथ साथ में ईएमआई भरते रहना है और थोड़ी सैलरी बढ़ जाए तो कार खरीद लेना है और थोड़ी सैलरी ज्यादा बढ़ जाए तो फ्लैट खरीद के अपना घर बोलना है। अरे अपना घर कैसे रे बाबा, फ्लैट खरीदते हैं लोग ईएमआई भरते हैं 20 साल तो बैंक का वो फ्लैट होता है, लेकिन मालूम है ना सोसाइटी को दिखाना है कि मेरा घर है पुणे में मुंबई में, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अर्ली एज में है तो पैसा बचाना
चालू करिए, क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी बंद कर दीजिए। पार्टी जो करते हो ना कि चलो 15,000 आ रहे उड़ा दें, नहीं। तो पहला हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप आशावादी बनेंगे तभी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अगर आप निराशावादी रहेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, सच मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे जरूरी है संगति, जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आप नशेड़ी के साथ रहोगे तो आप भी नशेड़ी बन जाओगे, आज नहीं तो कल तो बन नहीं बनना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपको अच्छी एनर्जी मिलती है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है। अगल बगल अपने दोस्तों से जो 10,000-20,000 मंथली अर्निंग करता है, जाके एक बार बोलना ना आप कि चलो तुमको मैं करोड़पति बनाता हूँ, तो हंसेगा आप पे, अरे क्या है यार बेवकूफ बना रहा है, करोड़पति बनाने की बात कर रहा है, 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, करोड़पति बना है। क्यों? क्योंकि ये माइंडसेट सोसाइटी ने हमारे दिमाग को भर दिया है कि भैया हमारा बेटा बीटेक एमबीए सीए सीएफए करेगा और 50-1 लाख की नौकरी करेगा, नौकरी करेगा, नौकरी करेगा। जो बोले नॉर्मल पढ़ाई करना भाई, स्किल सीख और लोगों से काम करवा, 10,000 की सैलरी दे और 2 लाख का काम करा, यही तो हो रहा है, नौकरी कर रहे हैं लोग, नौकरी कर रहे हैं। तो हमारी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यही है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, और पैसा वाले जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, जॉब करवाओ, जॉब करवाओ, जॉब करवाओ, समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है माइंडसेट, माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कंपाउंडिंग फोर्स कि एसआईपी कैसे काम करता है। तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, आप देख लीजिए यहां पे 10,000 का एसआईपी हम लोग लेते हैं, 13% यहां पे हम लोग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं 10 इयर्स के लिए। तो ये देखिए एसआईपी कैसे काम करती है, एक साल हमने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे साल 2,75,000, ये देखिए 6 लाख हो गया, चौथे साल में, छठवें साल में यहाँ पे देखिए 10 लाख, आठवें साल में 16 लाख और दसवें साल में 16 से सीधे 24 लाख, और इसी को थोड़ा सा हम लोग 20 साल कर देते हैं। ये देखिए 10,000 की एसआईपी है, 13% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है 20 इयर्स के लिए। तो ये देखिए हमारी जो एसआईपी है धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे 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 10 साल तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। देख सकते हो कि 10 साल में सिर्फ 24 लाख समथिंग है, राइट। अब देखिए 12, 14, अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, 14 साल हो गए सिर्फ अभी 47 लाख हो रहा है, देखा। अब देखिए मैजिक, मैजिक 14 से अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 18, ये देखिए पैसा कहाँ गया रे बाबा ये। अब 20वें साल में चलते हैं, ये देखो 1 करोड़ से भी ऊपर, समझ में आया। तो जब भी आप एसआईपी करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आपको समझ में यहाँ पे नहीं आएगा कि मेरा पैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम देंगे आप लॉन्ग रन में, तो आपका पैसा देख सकते हो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया कि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता है तो आपका पैसा जो है 2 से 5 होता है, 5 से 10 होता है, 10 से 20 होता है, ऐसे बढ़ने लगता है। जैसे ही आपका एसआईपी अमाउंट 10-12 साल को क्रॉस करके जब ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो आपका पैसा इतना बढ़ेगा कि रख भी नहीं पाएंगे। वहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट 30 इयर्स के लिए कर दिए तो पैसा आप रख भी नहीं पाएंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है बैठ के पॉपकॉर्न खाएगी, सच बता रहा हूं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट साहब जी को देख सकते हैं, उन्होंने क्या अपने घर में पैसा छापने वाली मशीन लगा रखी है? नहीं, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उनकी जो एसेट है हर साल 20% सीएजीआर से ग्रो हो रही है, तो उन्होंने भी अपने पैसे को इसी मशीन से छापा है। कौन सी मशीन? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो याद रखें जब भी एसआईपी करें तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा 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 एसआईपी करते गए करते गए करते गए और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां से देख सकते हो कि 10,000 की सिर्फ एसआईपी जो है 13% इंटरेस्ट से मैं कैलकुलेट करा तो 1 करोड़ का कॉर्पस यहां पे क्रिएट हो गया आफ्टर 20 इयर्स। तो ये है मैजिक। अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है स्टॉक्स में कैसे काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर 10-20 हज़ार किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो पैसा कैसे कंपाउंड होगा। पता ही है ना, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है आने वाले दिनों में 500 का हो जाएगा तो ये तो समझ में आ रहा है कि रिटर्न मिल रहा है। गलत, अच्छी कंपनी है 100 रुपए में इन्वेस्ट किया है आने वाले दिनों में 500 का हो गया तो बीच में जो मलाई मिलेगी उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, कैसे पैसा कंपाउंड होगा अभी बताता हूँ, राइट। तो चलिए एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि स्टॉक्स में कैसे पैसा जो है कंपाउंड होता है, राइट। तो इन्फोसिस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया था 95 रुपीज
इसका प्राइस था 95 रुपीज पर शेयर प्राइस था, राइट। तो किसी ने भी मान लीजिए यहाँ पे ए ने 1993 में 95 रुपीज के हिसाब से इस कंपनी में 100 शेयर्स बाई कर लिए। 100 शेयर बाई कर लिए कब? 1993 में। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 9500, राइट। याद रखिए आईपीओ आया था उस समय इंफोसिस का, 100 शेयर सिर्फ खरीदा इसने, कितना रुपया लगाया? 9500। 10,000 भी नहीं लगाया यार, सिर्फ 9500 रुपया लगाया 1993 में। और उसके बाद देखिए ये जो ए बंदा है आज बैठ के मलाई खा रहा है, 6 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस क्रिएट कर लिया इसने। कैसे कर लिया है बताता हूं आपको। ये देखिए 93 में इसने 100 शेयर बाई करा, तो कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो 94 में 1:1 का यहाँ पे बोनस इशू दिया था कंपनी ने, राइट। तो इसके पास ऑलरेडी 100 शेयर थे, तो यहाँ पे बोनस कंपनी ने इशू किया 1:1, तो यहाँ पे शेयर इसको मिल गया 200। 100 शेयर था, 100 कंपनी एक्स्ट्रा दे दी। बोनस क्या होता है? कंपनी अपने रिजर्व से जो अपने स्टेक होल्डर हैं उनको कुछ शेयर देती है कि लो भैया एंजॉय करो। डिविडेंड्स में क्या होता है? कंपनी अपने रिजर्व से पैसा निकाल के स्टेक होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि लो भैया कंपनी का मुनाफा हुआ है, डिविडेंड्स लो एंजॉय करो। लेकिन बोनस में क्या होता है? कंपनी पैसा ना देके स्टेक होल्डर को शेयर्स देती है कि लो भैया शेयर्स एंजॉय करो। तो 100 शेयर तो ए के पास था और कंपनी ने 94 में बोनस इशू जारी किया, तो 100 शेयर थे 200 शेयर हो गए, राइट। उसके बाद से फिर कंपनी ने 97 में फिर से बोला स्टेक होल्डर को, फिर से बोनस ले जाना रे बाबा, 200 शेयर था 1:1 का, यहाँ पे कंपनी ने फिर दिया, तो 200 का कितना हो गया यहाँ पे बताइए? 400, राइट। फिर इंफोसिस ने 99 में बोनस दिया 1:1 में, तो अब शेयर की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 800। देखते रहिए, 100 शेयर बाई किया। और फिर 2004 में इंफोसिस ने बोला कि 3 times से तो मैं स्टेक होल्डर को 1:1 का बोनस दे रही हूँ, इस बार एक काम करते हैं 3:1 का देते हैं, राइट। एंजॉय करो जितना एंजॉय करना है। अब बताइए 800 क्वांटिटी हो गई है ए की, तो अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई बताइए? 3200। कंपनी खुश है, खूब स्टेक होल्डर को खुश करने के लिए कंपनी दे रही है। अब फिर 2006 में कंपनी 1:1 का बोनस दी, अब कितना होगा बताइए? डबल, 6400 क्वांटिटी हो गई। फिर कंपनी यहाँ पे नहीं मानती है, 2014 में फिर से 1:1 का यहाँ पे बोनस इशू देती है, अब शेयरों की संख्या कितनी होगी बताइए? 12800, राइट। फिर कंपनी मानती नहीं है, 2015 में फिर से बोलती है 1:1 ले जाना बाबा, अब शेयरों की संख्या कितनी होगी बताइए? 25,600 क्वांटिटी। फिर कंपनी मानती नहीं है, 2018 में 1:1 का फिर से बोनस देती है, अब शेयरों की संख्या कितनी होगी? 51,200, राइट। तो अब देख सकते हैं ए ने सिर्फ 100 क्वांटिटी खरीदा था, सिर्फ 9500 रुपया लगाया था, और अब इसके पास कितना शेयर हो गया बताइए? 51,200, पहले 100 क्वांटिटी खरीद के आराम से सो गया था, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो ये 9500 का इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है, राइट। एक बार कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार हम लोग इंफोसिस का यहाँ पे शेयर देख लेते हैं, अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है इंफोसिस शेयर प्राइस, राइट। तो अभी इंफोसिस का करंट प्राइस चल रहा है 1277, लेकिन देख सकते हो कि इंफोसिस का अगर हम 52 वीक हाई देखें 1672 है, तो इंफोसिस में कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक देख सकते हो ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो गया, अराउंड 26% ऊपरी लेवल से करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी चलो हम लोग अभी करंट प्राइस लेते हैं 1277, राइट। तो एक बार हम लोग जल्दी से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, तो 51,200 क्वांटिटी हो गई बोनस के साथ, राइट। इसको हम लोग कर लेते हैं इनटू अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है 1277, राइट। 1277, ये देखिए 6,53,84,400 ए को मिला, तो देखा 9500 रुपया लगा के 6 करोड़ दबा के बैठा है भैया, आराम से मलाई खा रहा है। और ये तो रिटर्न्स है, बीच बीच में कंपनी ने डिविडेंड्स भी दिया है, तो करोड़ रुपया तो डिविडेंड्स खा रहा है बैठ के ए, देखा। तो इस तरह से पैसा कंपाउंड होता है, इस तरह से पैसा जो है छापा जाता है, तो इस तरह से स्टॉक्स जो है पैसे को कंपाउंड करते हैं। वहीं पे अभी तो 6 करोड़ दिखा रहा है, वहीं पे अगर हम 1600 के प्राइस पे कैलकुलेट कर दें तो ये 7-8 करोड़ से ऊपर चला जाएगा,
समझे आपने? तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप ग्रेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कंपनी बीच में आपको बोनस भी देगी, बोनस देगी तो आपका जो शेयर क्वांटिटी है वो बढ़ेगा, और कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ ही रहा है और बीच बीच में कंपनी डिविडेंड्स भी दे रही है। तो देख सकते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका पैसा कंपाउंड होगा। ऐसा नहीं कि पैनी में इन्वेस्ट कर दिए और बैठे हैं कि हमको करोड़पति बनना है, गलत। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यही तो गलती करते हैं, पैनी स्टॉक 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि ये चलेगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। गलत, वो चलेगा ही नहीं, देखते 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 वो जीरो हो जाता है, करोड़पति छोड़ो रोडपति बन जाते। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपको भी किसी स्टॉक में पैसा छापना है तो कंपनी अच्छी ढूंढनी पड़ेगी जो आने वाले 5 to 10 years में उस कंपनी का बिजनेस चले, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो। तो कंपनी क्या है, देखिए जो कंपनियां अच्छी होती हैं वही डिविडेंड्स देती हैं, वही बोनस देती हैं, लेकिन जो भंगार कंपनियां होती हैं ना डिविडेंड्स देंगी ना बोनस देंगी, उल्टे स्टेक होल्डर को लूट के जाएंगी, राइट। बहुत सारे पैन स्टॉक्स में होता है, तो पैन स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग में FNO में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। इन्वेस्टर बनिए तभी आपका पैसा कंपाउंड होगा। पैनी में कंपाउंड नहीं होता है, ट्रेडिंग में पैसा कंपाउंड नहीं होता है, ट्रेडिंग में पैसा कंपाउंड होकर नीचे चला जाता है, राइट। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, काम आएगा, क्योंकि जो गरीब जनता है इसके पीछे भाग रही है, लेकिन जो रिच लोग हैं इसके पीछे भागते हैं, इसके पीछे भागते हैं, तो आपको भी इसके पीछे भागना है, ना कि इसके पीछे। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, राइट। दो लोग हैं, ए हैं, ए इनके पिताजी हैं, इनके दो बच्चे हैं, राइट। ये हैं, इनका नाम है बी और इनका नाम है सी, राइट। पिताजी दोनों बच्चों को बोलते हैं काम करो, 2-2 लाख रुपए मेरे से ले जाओ, मेरे को बोनस मिला है तो मैं जो करना है करो, राइट। तो देखिए दोनों बच्चों में कौन स्मार्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो बी है 2 लाख को क्या करता है मालूम है, 2 लाख को इन्वेस्ट करता है ऐसे जगह जहाँ पे 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं पे जो सी है इसके पास भी 2 लाख है, ये भी 2 लाख इन्वेस्ट करता है और इसको भी 15% इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है, और इसको भी हर साल 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो बी है एक साल मिला तो एक साल का रिटर्न्स कितना होगा 15% के हिसाब से 30,000, राइट। तो 30,000 को यहाँ पे ये विड्रॉ कर लेता है, राइट। फिर अगले साल 2 लाख इन्वेस्ट करता है, फिर विड्रॉ कर लेता है अगले साल, ऐसे देख सकते हो 10 सालों तक ये जो है जो इसको रिटर्न्स मिल रहा है 15% विड्रॉ करते आ रहा है, राइट। वहीं पे ये जो सी बाबू है, नाम सी है लेकिन चलाक है, देखिए इन्होंने भी 2 लाख इन्वेस्ट किया, इनको भी 30,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, टोटल अमाउंट हुआ कितना 2,30,000, लेकिन थोड़ा सा ये चलाक है, इसने इस पैसे को विड्रॉ ना करके इसको री इन्वेस्ट कर दिया, फिर अगले साल इंटरेस्ट मिला री इन्वेस्ट किया, फिर अगले साल इंटरेस्ट मिला री इन्वेस्ट 10 सालों तक। ये देखिए इसका पैसा देखिए और इस बाबूलाल का देखिए, देखा आंख खुल गई, इसको इतना पैसा और इसको इतना पैसा, अमाउंट तो सेम था, इंटरेस्ट भी सेम था, फिर ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे इनकी जिंदगी चल रही थी, जो रिटर्न्स मिल रहा है देख रहे हो यहाँ पे विड्रॉ कर ले रहे हैं, लेकिन इस भाई साहब ने मशीन लाया यहाँ पे कंपाउंडिंग वाली, देखा जो पैसा मिला उसको री इन्वेस्ट किया 10 साल किया, 10 साल ऐसे करते 10 साल और बढ़ा दिया 20 साल, इतना पैसा हो जाएगा कि मत पूछो। तो देखा अंतर, देखिए आंखें खुल जाती हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए, राइट, और सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करिए और समय दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो लोग जो है FD में इन्वेस्ट करते हैं, तो FD में तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो 7% तक कुछ बैंक ऑफर कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा भी चाहिए और एक्सपर्टीज भी चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं, तो कमर्शियल में भी देखिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। जो कमर्शियल आप शॉप ले रहे हैं वहां पे फुटफॉल क्या है, आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या है, वो एरिया कैसे डेवलप हो रही है, तो एक आम लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है, तो रियल एस्टेट है। तीसरा है गोल्ड, तो गोल्ड में भी देखा गया 8-9% का रिटर्न्स मिल जाता है। और तीसरा है इक्विटी, तो इक्विटी में अगर हम सिर्फ इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने यहां पे 13-14% CAGR का रिटर्न्स निकाल के दिया है 10-15 साल का अगर हम हिस्ट्री का डेटा देखें तो। तो मेनली यही एसेट क्लास है जिनमें ज्यादातर जो इंडियन से इन्वेस्ट करते हैं। तो रेट ऑफ कंपाउंडिंग को भी एक बार हम एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है ए
और दूसरे दोस्त का नाम है बी। इन दोनों के पास 10 लाख का कॉर्पस है, राइट, 10 लाख का कॉर्पस है, इनको इन्वेस्ट करना है 20 सालों के लिए ये 10 लाख रुपया निवेश करना है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये लोग निवेश करेंगे। तो पहला जो दोस्त है ए, वो जो क्या करता है अपने 10 लाख को 5-5 लाख में डिवाइड कर देता है, 5-5 लाख में डिवाइड कर देता है और 5 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट करता है एफडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। तो एफडी में अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 7%। तो अगर हम 5 लाख को एफडी में इन्वेस्ट करेगा 20 सालों में तो उसका जो रिटर्न्स मिलेगा तो 14,34,842 रुपीज मिलेगा, राइट। तो टोटल इसकी जो कॉर्पस वैल्यू है 19,34,842 रुपीज होगा, और राइट, और 5 लाख ये जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, तो गोल्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि 8-9% तक रिटर्न्स मिल जाता है। तो चलो हम लोग 8% रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें इसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स होगा यहाँ पे देख सकते हो 18,30,478 रुपीज, और इसका जो कॉर्पस वैल्यू है टोटल 23,30,478 होगा आफ्टर 20 इयर्स। आफ्टर 20 इयर्स ध्यान से देखते रहिए, 10 लाख मिला, 5 लाख एफडी में डाला और 5 लाख गोल्ड में डाला, तो अमाउंट देखिए इसका 23 लाख और यहाँ पे अराउंड 19 लाख, राइट। ये किसका था, ए का। अब हम बी का देखते हैं, बी का देखते हैं, ये देखिए इसके पास भी 10 लाख है, इसको भी 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या करता है मालूम है, बताइए, ये जो है 3 लाख सेविंग में इन्वेस्ट करता है, 3 लाख सेविंग अकाउंट में रखता है, राइट, और सेविंग में अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 4%। तो इसकी टोटल वैल्यू होती है कितना, यहाँ पे देख सकते हो 3,57,336 रुपीस। तो टोटल कॉर्पस वैल्यू होगी इसकी 6,57,336 रुपीस, राइट। तो ए वाला जो है बी पे हंस रहा है, अरे यार मूर्ख है क्या, सेविंग में पैसा रख के 4% इंटरेस्ट कमा रहा है और एफडी में देखो मैं 7% कमा रहा हूँ, और इसका दिमाग खराब है, सेविंग में रख के 4% का इंटरेस्ट कमा रहा है और गोल्ड में भी मैं 8% कमा रहा हूँ, राइट। अब देखिए ये जो बी वाला है अब क्या करता है, 10 लाख था, 3 लाख इसने सेविंग में इन्वेस्ट कर दिया इमरजेंसी के लिए, कि फ्यूचर में अगर कोई आपत्ति आती है या मेडिकल के लिए कोई इमरजेंसी के लिए 3 लाख रुपया बचा के उसको सेविंग में रख दिया 20 सालों के लिए, तो देख सकते हैं कि वो अमाउंट यहाँ पे 6,57,000 हो रहा है, राइट। और अभी भी इसके पास 7 लाख है, तो इस 7 लाख को इसने इन्वेस्ट किया कहां पे, इक्विटी में, और इक्विटी में 16% रिटर्न्स सिर्फ मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अभी जो इसका जो रिटर्न्स निकल के आ रहा है यहां पे देख सकते हो 1,29,22,531 रुपीस। अब हंसना भाई हंस, क्यों नहीं हंस रहा है, राइट। अब देखिए तो टोटल इसका कॉर्पस वैल्यू कितनी होगी, 1,36,22,531, और इसका अगर हम गोल्ड का और इसका एफडी का भी अगर हम दोनों को ऐड भी कर दें तो देख सकते हो कि 40-42 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरा दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगा के पैसे को कैसे यहाँ पे छापा है, तो देखा अब एक ही यहाँ पे हंसी जो है गम में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो देख सकते हैं कि 20 साल में ये करोड़पति बन गया और ये लखपति ढंग से भी ना बन पाए, देखा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, रेगुलर मोड में इन्वेस्ट किए हैं 10-15 सालों के लिए, फिर क्या, अब बता रहा हूँ ना आपको होता क्या है। मान लीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए 20 सालों के लिए और रिटर्न्स भी आपको सेम मिल रहा है, किस में, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड है, राइट। तो यहाँ पे ए को ही ले लेते हैं, ए ने भी एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो रेगुलर मोड में। एक और यहाँ पे बी है, उसने भी इसी स्कीम में इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसने सिर्फ डायरेक्ट में, राइट। स्कीम सेम है, रिटर्न सेम है, तो क्या होगा बताइए, ये होगा देखो। तो रेगुलर में 2.5% एक्सपेंस रेशियो होता है, मेनली 2% से ज्यादा ही होता है, वहीं पे अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेके 0.75% तक भी जाता है। तो 0.5% से भी कैलकुलेट करें, 10 लाख इन्वेस्ट किया, सेम रिटर्न्स मिला 20 सालों के लिए, तो यहां पे गैप देख सकते हो, यहाँ पे गैप देख सकते हो 5 लाख रुपया से भी यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे चपत लग रही है, देखा। 1% भी मैटर करता है, कब, लॉन्ग रन में 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया यार, 4-5 लाख रुपया ज्यादा क्यों देना। तो जब भी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो देखिए कि एक्सपेंस रेशियो कहीं ज्यादा तो नहीं है, और रेगुलर मोड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, ऑलवेज इन्वेस्ट इन डायरेक्ट मोड, मैंने आपको अंतर दिखा दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं एंजॉय करो यार, एक ही जिंदगी मिली है, अभी तो नई नई जॉब लगी है, अभी मजे नहीं करेंगे तो क्या करें?
करेंगे, उसको बोलने दो करोड़पति बनना है तो, उसको बनना है बनो 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 बनो, मैं तो इंजॉय करूंगा। तो ऐसे लोग होते हैं निराशावादी, आपको बनना है आशावादी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अभी जिंदगी मिली, अरे भैया 5-10 साल रुक जाओ, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि जिंदगी क्या है, अभी तो यंग है, अभी नई नई जॉब लगी है। तो टाइम वेस्ट मत करिए, राइट। जो भी अर्निंग करते हैं कुछ पैसा बचाइए और उसको इन्वेस्ट करना शुरू करिए। देख सकते हैं ना, दो दोस्त हैं यहाँ पे बैठ के पार्टी कर रहे थे, याद आया, अरे यार अभी तो हम लोग यंग हैं, आने वाले दिनों में हम लोग रिटायर होंगे, फिर हमारी जिंदगी। और आज की जनरेशन, पैसा नहीं है तो कोई ना पूछेगा, अरे बाबा। तो इन दोनों की आत्मा जग गई एक दिन, दोनों पार्टी कर रहे थे, राइट। बोले यार रिटायरमेंट के लिए ना पैसा इकट्ठा करना जरूरी है, अभी तो जो सैलरी आती है सब खर्चा कर देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं आज से पैसा जोड़ना शुरू करते हैं कि अगर हम रिटायर होंगे तो थोड़ी इज्जत होगी अपन को, राइट। तो इनकी आत्मा जग जाती है ये लेने के बाद, राइट। तो अब देखिए, अभी दोनों दोस्त यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग अपना रिटायरमेंट के लिए हम लोग कॉर्पस क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया SIP शुरू करने के लिए। लेकिन होता है ना, पार्टी करते समय बहुत सारी कस्में होती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये दोनों दोस्त का ए है और दूसरा है बी है। तो ए जब पार्टी हुई थी तब से समय कटता गया, सुबह आ रहे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते इसने 5 साल निकाल दिया, इसने 5 साल निकाल दिया। कब इन्होंने पार्टी करी थी, ये 20 साल का था और ये भी 20 साल का था। अब इसकी एज जो है 25 साल हो गई और इसकी एज 25 साल है। 20 साल की एज में इन्होंने पार्टी करी थी और उसी समय डिसाइड करा था, लेकिन 5 साल निकाल दिया। ए वाला अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करता है, लेकिन फिर एक दिन याद आता है, यार अब तो करना चाहिए। तो ए यहाँ पे देख सकते हो कि 5 साल लेट अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। तो ये भी 20,000 पर मंथ अब SIP शुरू कर देता है। चलो लेट सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू तो करता है। 25 साल की एज जब होती है तो ये अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है और ये डिसाइड करता है कि अभी एज मेरी 25 है और 40 जब मेरी एज हो जाएगी तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट ये शुरू करता है। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 36, यहाँ पे मैंने लिखा है ये लैक्स है, सिर्फ मैंने राउंड ऑफ कर दिया है समझने के लिए। 36 लाख ये डिपॉजिट करता है, कितने सालों के लिए, 15 साल के लिए, क्योंकि 25 का है 40 में रिटायर होना है। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 36 लाख। तो इसका टोटल अर्निंग है 86 लाख, यहाँ पे देख सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं सिर्फ 14% रिटर्न से कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। वहीं पे अगर हम फ्यूचर वैल्यू देखें तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आ रही है 1.2 crore, करोड़पति बन जा रहा है। जब ये 40 का हो जाएगा तो इसका कॉर्पस वैल्यू 1.25 हो जाएगा। वहीं पे जो बी है, उस रात जब पार्टी करा था उस समय इसकी एज 20 थी। बी वाले ने अगले महीने से ही SIP शुरू कर दिया था, उसने लेट नहीं किया था, और इसको भी 40s में रिटायर होना है। तो बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट करा 48 lakhs, डिपॉजिट करा, राइट। तो इसको भी अगर हम 14% रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं 20 सालों के लिए, क्योंकि इसका 20 साल इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इसका यहाँ पे देख सकते हो टोटल अर्निंग जो है 2.15 crore है। तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी 2.63 crore। देखा, सिर्फ 5 साल के गैप में, हैंगओवर अभी उतरा नहीं था। ए वाले को यहाँ पे देख सकते हो 1.2 crore मिल रहा है सिर्फ, और इसने थोड़ा सा जल्दी चालू कर दिया तो 2.63 crore मिल रहा है, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आप यंग हो, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो यार, 2,000, 3,000, 5,000 बचाओ और उसको करेक्ट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो। तो ए और बी में मैंने आपको अंतर दिखा दिया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइमिंग बहुत जरूरी है। टाइमिंग अगर आपकी गलत होगी तो आपका रिटर्न्स भी कम मिलेगा। तो यंग हो, इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए। इसको अकल आई, लेकिन 5 साल लेट हो गया ये। 5 साल लेट नहीं होता तो इसका भी यहाँ पे कॉर्पस ज्यादा होता, लेकिन इसने जल्दी शुरुआत करी तो इसका कॉर्पस यहाँ पे देख सकते हो 2 crore से भी ज्यादा का कॉर्पस इसने ऐड कर लिया 40s में, राइट। लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे मैजिक बताऊं तो बी वाले ने क्या कर रहा था, यहाँ पे देखिए, जो 20,000 पर मंथ यहाँ पे SIP कर रहा था उसमें यहाँ पे देख सकते हो टॉप अप कर दिया 10% का। अगर 10% का टॉप अप कर दिया 20 सालों के लिए, 20 इयर्स के लिए, क्योंकि बी ने यहाँ पे 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था। देख सकते हो अपने SIP अमाउंट में 10% का यहाँ पे टॉप अप कर रहा है। तो ये देखिए, ए वाले को तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बी वाले ने 48 lakhs डिपॉजिट करा था, वहीं पे अगर हम 10% का टॉप अप देख लें तो यहाँ पे देख सकते हो पैसा
यहाँ पे डबल हो रहा है सिर्फ 10% का टॉपअप करने पे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाती है। तो अगर 10% का इसमें अगर हम टॉपअप ऐड कर दें तो देख सकते हो 4.96 करोड़ का यहाँ पे कॉर्पस हो जाता है। तो जो रिटर्न्स मिल रहा है इसमें हर साल अगर 10% SIP में यहाँ पे टॉपअप कर दें तो देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न्स जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, डबल से ज्यादा हो रहा है, 4.96 करोड़ यहाँ पे कॉर्पस क्रिएट हो गया। तो आप किसी भी स्कीम में SIP करते हैं तो हर साल अगर आप उसमें टॉपअप कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो अंतर, विदाउट टॉपअप यहाँ पे 2.63 CR मिल रहा था, वहीं पे अगर हर साल 10% का यहाँ पे टॉपअप कर देता तो यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 5 करोड़ का कॉर्पस हो गया, डबल से भी ज्यादा। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग टाइमिंग। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए टॉपअप करिए, करेक्ट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करिए, ना कि FD में इन्वेस्ट कर दिए और आराम से तन के बैठे हैं। FD है भैया, 2 FD चल रही है मेरी, 2 FD चले या 4 FD चले, अगर इक्विटी वाला अच्छे से एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया ना तो 4-5 FD जो भी है उसको बिट कर देगी। इंडिया में क्या है, लोग FD में इन्वेस्ट करेंगे, ULP में इन्वेस्ट करेंगे, LIC में इन्वेस्ट करेंगे। अरे भैया इनमें इन्वेस्ट करने से कुछ मिलता है क्या? 7% FD में इंटरेस्ट मिल रहा है, उतना तो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रही है। लेकिन बैंक वाले एजेंट वाले सारे लोग मोटिवेट करेंगे, ULP ले ले भैया, ये प्लान ले ले, LIC बढ़िया है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, घंटा बढ़िया है। सुना है ना आपने कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है? यही रीजन है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर लॉयर सब लोग पैसा अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि अपने पैसे को कैसे ग्रो करें। जिस दिन आप ये सीख लिया कि कैसे पैसे से पैसे बनता है, उस दिन पूरा गेम समझ में आ जाएगा। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, छोटा ही इन्वेस्ट करिए लेकिन समय दीजिए, 100, 200, 500 SIP करते रहिए। मार्केट को मत देखिए कि मार्केट गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, ना 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 ना, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखिए। करेक्ट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बनेगा, और पैसा इतना बनेगा कि आप रख नहीं पाएंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यह है बेनिफिट। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो रिटेल इन्वेस्टर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझे और करेक्ट डायरेक्शन में इन्वेस्टिंग करे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, थैंक यू। और आप भी इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, थैंक यू।